चलो चले। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। लेट्स गो। वीडियो वीडियो बना रहे हो? जय शंभू। विद्या मो देखा? आ देखा पैकेट। ओ पैकेट दे सी हनु। ए कई दिन दा पया पता पैकेट ए? हां हां, तीन चार दिन हो गए बेचारे इदे नाम लिखा होया सीगा। पैकेट ए पापा ई की है? की है दवाई? पैकेट पैकेट है। हेलो बोलो फ्रेंड्स नु। ओ देखो हेलो। गाइस आपको पता हमारे पास हमारे को ना बहुत सारे मंकीज मिले हैं और ना पापा ने अभी तक बनाना ले आए हैं। हम ना उनको ना मराने देंगे। मैं सबसे पहले दूंगी। बोरे 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 देखो 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 सारे आ गए। पापा मुझे भी देना है, मुझे भी दो ना। चपट्टा मार देंगे ने ना। पुत्तू दंदी पड़ दे किते गए? दो चकली पता उड़ के इधर देखो हो रही पानी पींदा ऐ तां कुछ नहीं कहते इन्हां नूं पता हैगा सानूं खाण पीण वास्ते आंदे किन्ने होणगे इधर बहुत ज्यादा ने ना पुत्तर दंदी बटूगा ओ दन्ना ने हाथ उठ नहीं लाना मैं दसा ओ ओ इको दम दंदी वड़दा हुंदा पुत्तू इको दम Thank you.
बनाना खत्म मारूगे भी तेन बस ओना दी टम्मी फुल हो गई विद्या हेलो फ्रेंड्स, तो हम चिल्ली खाने के लिए यहाँ रुके थे गंगा के पास, बट वो इतने सारे मंकीज हमारे पीछे पड़ गए तो हम जल्दी जल्दी से गाड़ी में भाग गए और यहाँ पे बैठ गए और हम अब यहाँ पे बैठ के चिल्ली खाएंगे। वो तो बहुत सारे पीछे पड़ गए थे हमारे, देखो क्या रहे, यहाँ पे बैठेंगे, दोनों सीट्स आगे खाली पड़ी है। गिर मत जाना सोनिया, ऐसे तो बढ़िया है अगर गिर जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम फाइनली चर्च पहुंच चुके हैं। 1 बजे इसकी एंट्री थी, 1 बज गया है। चलो मिलते हैं अंदर। माँ से पीछे देख, हम लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे जी। हम लोग एक्चुअली हैं पंजाब से, तो यहाँ पे काम के सिलसिले में मेरठ रहते हैं। आज संडे था तो बच्चों से प्रोग्राम बन गया कि चर्च देखने आए। सुना है यहाँ के मेरठ के लोगों के, उनसे पता चला है कि चर्च बहुत फेमस है और देखने लायक है और मौसम भी अच्छा था, तो कुछ इसकी इतिहास के बारे में बताइए। अच्छा। राजा जर्मनी का था, रानी ईरानी थी। अच्छा। लेकिन राजा रानी बनने से पहले दोनों एक ही जगह नौकरी करते थे, शालम सेकंड के यहाँ दिल्ली में। अच्छा। बाद 1700 ये शालम क्या है, सेकंड ये क्या चीज़, बादशाह। अच्छा, बादशाह के पास काम करते हैं। शालम कितने हुए हैं लेकिन वो सेकंड सेकंड का हो, हाँ नंबर उनका सेकंड नंबर थे शालम सेकंड, दिल्ली के राजा थे, किंग थे, जैसे उर्दू में बादशाह बोलते थे राजा, है ना, तो वो दिल्ली के राजा थे। उन्हीं की फौज के जनरल थे वाल्टर रेनाल्ड्स अंद्रू साहब राजा बनने से पहले। अच्छा। तो ये जो हम खड़े हैं यहाँ पे, पहले नवाबी चलती थी, यहाँ के बादशाह थे नवाब नवस। अब हमने इतिहास में पढ़ा है कि एक राजा दूसरे राज पर आक्रमण करता था, उसकी संपत्ति को छीन के अपनी बड़ी बनाता था, अपनी बड़ी बनाता था। तो नवाब नवस खां का इरादा था दिल्ली पर अटैक करने का। ठीक है। इस बात की खबर लगे, हर देश के गुप्तचर होते हैं जैसे पहले भी दाज भी हैं, तो उनको ये पता लग गया कि हमारे ऊपर अटैक करने वाला शालम के ऊपर अटैक करने वाला नवाब नवस खां दिल्ली पे। तो शालम ने अपने फौज के जनरल वाल्टर को ऑर्डर दिया कि उसकी बगावत में जाके दबा के आओ। 2 दिन तक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में वाल्टर रेनाल्ड सिब्रू साहब अपनी फौज लेकर आए, बहुत बड़ी दिन रात की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में वाल्टर साहब जीत गए। जीतने के बाद दिल्ली के बादशाह ने अपने फौज के जनरल को यहाँ का राजा बना दिया। अच्छा, वाल्टर को। उनकी पहली वाइफ, 3 बच्चे हैजे की बीमारी मर गए थे, जो एक रोमन कैथोलिक ईसाई थे वाल्टर और उनकी वाइफ, उनकी वाइफ मर गई थी, तो उनकी कब्र श्रद्धा के कब्रिस्तान में मौजूद है। बेगम फरजाना एक क्लासिक डांसर थी, मुजरा करती थी शालम के दरबार में, वहीं दोनों की मुलाकात हुई थी और वहीं पर इन्होंने 1775 में दोनों ने मुसलमानी रीति रिवाज से शादी कर ली, वाल्टर ने और फरजाना लतीफ अली खान नाम था। अच्छा। ये दोनों जो थे
कंपनियां भी थे जो एक ही धर्म के थे या? जो पहले थे। अच्छा, पहले वाले रोमन कैथोलिक थे, ये रोमन कैथोलिक चर्च है, वो एक ही धर्म के थे, लेकिन नेक्स्ट जो हुआ है वो मुसलमान थी, फरजाना लतीफ अली खान। बेगम जब बनी, जब उसकी शादी हुई, बेगम का अर्थ था रानी, बेगम बोलते हैं उर्दू में, तो रानी हिंदी में, तो इन दोनों की शादी हुई, शादी करके रानी बना के यहाँ पर लाए। शादी को सिर्फ 3 साल ही गुजरे थे कि राजा वाल्टर रेनॉल्ड्स इंद्र साहब आगरा के गवर्नर थे, और वहीं उनकी किसी कारण मौत हो गई, सरकारी काम से गए हुए थे। तो यहाँ के जितने भी बड़े बड़े अफसर थे और शालम ने मिलके बेगम फरजाना को होलसेल मालिक यानी यहाँ की घोषित कर दी। 1781 में, इससे पहले बेगम फरजाना मुसलमान थी, शादी तक भी मुसलमान थी, शादी भी मुसलमानी रीति रिवाज से हुई। जब राजा मर गए तो 1781 में बेगम फरजाना ने 32वां ग्रहण करा, यानी नामकरण हुआ उनका आगरा में। फादर ओशडी ग्रेगरी ने उनका नामकरण करा, उनका नाम रखा गया योहन्ना, पहले नाम था बच्चन का फरजाना। योहन्ना बनने के बाद उसने अपने पति की ख्वाहिश तमन्ना पूरी करने के लिए और माता मरियम के आदर सम्मान में एक चर्च का निर्माण कराया। 1802 में बनना शुरू हुआ, 1822 में बना, 20 साल लगे थे बनने। 20 साल लगे, ना तो ये सीमेंट है, ना है इसमें सरिया, नानक शाही ईट से बना हुआ, जैसे आप पंजाब के रहने वाले। हाँ, नानक शाही ईट से बना हुआ, छोटी वाली ईटों से। अच्छा। चूने की और सुरगी की इसमें चिनाई की, तो ये फिर डाटो पट्टी का है, ईटों की पकड़ बनती है। हाँ, जैसे सीमेंट से बनती है। हाँ, तो इसी इनकी फिर किसी से बनी, चूना। अगर हम इसे सैटेलाइट के द्वारा देखेंगे तो चर्च का डिजाइन ये क्रॉस के शेप में बना हुआ है, इसका मेन दरवाजा उधर ही है, क्रॉस के शेप, क्रॉस। यीशु मसीह के जैसे 5 जख्म है, ऐसे ऊपर 5 मीनार, 1 2 3 4 एक साइड 5 जख्म के रूप में, ठीक है जी। और ये चर्च अपने आप में एक बेमिसाल है, शानदार है, खूबसूरत है। लेकिन जब से ये चर्च के अंदर इटली से एक इमेज आई है माता मरियम की, आवर लेडी ऑफ ग्रासिस, यानी कृपाओं की माता की, उस कृपाओं की माता की तस्वीर के सामने जो भी सच्चे दिल से विश्वास से अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो भी विश मांगता है, मन्नत मांगता है, उनके विश्वास पर उनकी मन्नत पूरी। हिंदुस्तान में 23 बसलिकाएं हैं, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी 23 बसलिकाएं हैं। सब में पहली गोवा के अंदर सेंट फ्रांसिस जेवियर की डेड बोर्ड रखी है 500 साल से, जो अभी तक सड़ी गली में। अच्छा। हाँ, दूसरा नंबर ये है, यानी यहाँ पे जो भी लोग चमत्कार होते हैं, जो भी लोग दुआ बंदगी करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। अब जैसे आप पंजाब से आए हो तो सब में ज्यादा लोग यहाँ पर पंजाब से आते हैं। अच्छा। कोई सा दिन नहीं जाता जिस दिन एक फैमिली ना आती हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्च के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, नहीं तो आपको अंदर की भी हम दर्शन करवाते। हम बाहर आ गए और अब हम जा रहे हैं पेट पूजा करने। गाइस, अब हम घूम के आ गए, थोड़ी सी हमने शॉपिंग की, फिर हमने लंच किया, अब हम घर आ गए और हम थोड़ा सा थक गए। चर्च में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा किया वहाँ पे। तो अब हम आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।